दोस्तों इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट सिखाने वाले हैं कि आपको ये स्प्रैंग कैसे फिटिंग करना है और आपका जो साइड स्टैंड है वो कैसे फिटिंग करना है। सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि मोटरसाइकिल का साइड स्टैंड कैसे चेंज करें और अगर आपके मोटरसाइकिल के साइड स्टैंड में स्प्रैंग निकल गया है तो उसको कैसे चेंज करें, उसको कैसे आप बदलें बहुत आसान तरीके से। ये देखिए दोस्तों, जैसे हम अपना मोटरसाइकिल ऐसे साइड स्टैंड पे खड़ा करते हैं तो देखिए ये कुछ इस टाइप से खड़ा हो जाता है। और ये दोस्तों जो हमारा साइड स्टैंड है ये काफ़ी नीचे आ चुका है, इसको हमने 2-3 बार यहाँ से वेल्ड भी करवा लिया है और ये देखिए यहाँ से नीचे से घस चुका है। तो आज की वीडियो में दोस्तों ये आपको मैं साइड स्टैंड चेंज करना और ये जो स्प्रैंग है ये फिटिंग करना सिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों हम जल्दी से इसको मेन स्टैंड पे खड़ा कर लेते हैं। अभी दोस्तों हमने इसको मेन स्टैंड पे खड़ा कर दिया है और आप अगर इस वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें ताकि आप भी सीख जाएं अपना साइड स्टैंड चेंज करना और अगर आपके मोटरसाइकिल के साइड स्टैंड का स्प्रैंग निकल गया है तो उसको आपने कैसे फिटिंग करना है हम आपको आज की वीडियो में सिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों, एक बार हमने यहाँ से वेल्ड भी करा लिया है और नीचे से यहाँ से घस भी गया है। तो घसने के कारण क्या है दोस्तों, जब हम ये साइड स्टैंड पर मोटरसाइकिल को खड़ा करते हैं तो ये काफ़ी झुक जाता है, झुकने के कारण यहाँ से हमारा ऑयल निकलता है। तो दोस्तों अगर आपके पास भी HFD लेस मोटरसाइकिल है और उसका अगर स्प्रैंग निकल गया है या उसका आपने साइड स्टैंड चेंज करना है तो साइड स्टैंड कैसे चेंज करना है। तो दोस्तों ये मेरा खुद का मोटरसाइकिल है और मेरे खुद के मोटरसाइकिल का जो साइड स्टैंड है वो घस गया है। तो ये वीडियो आपके साथ मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि शहर के अंदर क्या होता है, मोटरसाइकिल की रिपेयरिंग की दुकानें होती हैं लेकिन गाँव के अंदर कई बार होती हैं कई बार नहीं होती हैं। तो इसीलिए मैं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए हम जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है। एक आपको प्लास की जरूरत पड़ने वाली है, एक पेचकस की जरूरत पड़ने वाली है और एक आपको चाहिए यहां पे 17 नंबर की चाबी। तो हम लेकर आते हैं जल्दी से। तो गाइस हम लेकर आ चुके हैं काफ़ी सारी चाबियां और एक हम लेकर आए हैं प्लास और उसके बाद ये देख सकते हैं ये हम पूरी की पूरी यहां पे डब्बी उठाकर लाए हैं और हम आपको पूरा पूरा यहां पे कंप्लीट प्रोग्रेस सिखाने वाले हैं। कैमरामैन जूम करिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपने यहां पे 17 नंबर की चाबी लगा लेनी है। यहां पे 17 नंबर की चाबी लगाने के बाद नीचे के साइड में एक आपने लगानी है 16 नंबर की चाबी और कुछ इस टाइप से आपने इसको नट को खोल लेना है। इस टाइप से ये नट खुल जाएगा और उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो स्प्रैंग पड़ा हुआ है इसको निकाल लेना है। तो इसको हमने कैसे निकालना है, प्लास की सहायता से कुछ इस टाइप से आपने इसको निकाल लेना है। ये कुछ इस टाइप से निकल जाएगा और उसके बाद दोस्तों इस नट को आपने ऊपर की साइड घुमा के इसको खोल लेना है। जैसे दोस्तों आप इस ऊपर के नट को खोल रहे हो वैसे ही नीचे की साइड में एक नट लगा होता है, ये वाला नट लगा होता है नीचे की साइड में, इसमें 16 नंबर की चाबी लगती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसको खोल लेते हैं। तो दोस्तों इस नट को अभी हमने खोल लिया है, अभी हमने यहाँ पे लगाना है एक नया साइड स्टैंड। तो सबसे पहले हम लेकर आते हैं एक नया साइड स्टैंड। तो दोस्तों हम एक नया साइड स्टैंड लेकर आ चुके हैं, कुछ इस टाइप से आपको ये नया साइड स्टैंड मिल जाएगा। आपको किसी भी मोटरसाइकिल की शॉप पे ये साइड स्टैंड 70 रुपये का मिल जाएगा। दोस्तों हम इस साइड स्टैंड को दोस्तों 70 रुपये का लेकर आए हैं मार्केट से। तो अभी हम इसको लगा के दिखाते हैं आपको कैसे लगाना है इसको। आपने इधर लगानी है आपने 17 नंबर की चाबी और इसको आपने खोल लेना है। अभी देखिए हमारा साइड स्टैंड कुछ इस टाइप से हमने खोला था और कुछ इस टाइप से ही हमने इसमें लगा देना है। तो दोस्तों हमने ये दोनों नट टाइट कर लिए हैं, अभी हमने इसके अंदर लगाना है स्प्रैंग। तो स्प्रैंग हमने कैसे लगाना है, स्प्रैंग लगाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको स्टैंड के अंदर नीचे साइड में आपको स्प्रैंग डालना पड़ेगा कुछ इस टाइप से। उसके बाद आपको यहाँ पे स्प्रैंग फंसाना पड़ेगा। यहाँ पे कैसे फंसेगा, पेचकस लेना है आपने। तो ये पेचकस आपने इस हॉल में इस टाइप से फंसाना है, स्टैंड को ऊपर कर लेना है। स्टैंड को ऊपर करने के बाद आपने यहाँ पे पेचकस फंसाना है और यहाँ पे हॉल होता है, यहाँ पे आपने पेचकस को रखना है और इसको आपने बैक साइड में प्रेस करना है और ये जो स्प्रैंग है आपका इसको आपने हल्के हल्के से नीचे के साइड जाने देना है। जैसे दोस्तों आप इसको नीचे के साइड प्रेस करोगे तो जो आपका स्प्रैंग है
ये बहुत ही आसानी से इसके अंदर लग जाएगा। ये देख सकते हो दोस्तों, कुछ इस टाइप से आपका ये जो स्प्रिंग है इसके अंदर फिक्स हो जाएगा कुछ इस टाइप से, और जो आपका ये स्टैंड है ये अच्छे से वर्क करने लगेगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से आप अपने स्प्रिंग को लगा सकते हो, साइड स्टैंड को चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें, ताकि हम ऐसे ही नए नए कॉन्टेंट और नई नई टिप्स एंड ट्रिक्स आपको सिखा सकें। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।